सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के पिंजरे से किया चुनाव आयोग को आजाद। अब नेता विपक्ष चीफ जस्टिस के हाथों में भी होगा कंट्रोल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी सरकार में मची खलबली। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए, केंद्र में चुनाव हुआ, चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगे। चुनाव आयोग को मोदी आयोग कहा जाने लगा। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बड़े स्तर पर घटी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया, यह मोदी सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सिर्फ मोदी सरकार अपने मन मुताबिक नहीं कर पाएगी, बल्कि इसमें नेता प्रतिपक्ष चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे। CJI चंद्रचूड़ के शामिल होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं, कहीं भी कोई धांधली का सवाल ही नहीं। कोर्ट के इस आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये फैसला इतना अहम क्यों है? इससे देश भर में होने वाले चुनाव कितना बदल जाएगा? क्या सरकार कोर्ट के इस फैसले को चुनौती भी दे सकती है? ये फैसला कब से लागू किया जा सकता है? आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पैनल बनाने का फैसला दिया। इस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। यही पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रपति का ही होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने की मांग को लेकर याचिका दायर हुई थी। इस पर गुरुवार को न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 मेंबर्स वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। हालांकि नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही रहेगा। पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार भी शामिल थे। खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सर्वसम्मत से सुनाया है, यानी सारे जज इस मसले पर एकमत थे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अहम क्यों? इससे क्या क्या बदलेगा? कोर्ट का यह फैसला देश के लिए क्रांति साबित होगा। देश में हर साल कोई न कोई चुनाव होते हैं और जीत या हार के बाद ज्यादातर राजनीतिक दल सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगते हैं। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी सरकार के जरिए होती थी, इसलिए ये आरोप और भी ज्यादा लगने लगते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग और देश में होने वाले चुनावों में 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा चुनाव आयोग। जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होगी और पैनल की सिफारिशों पर होगी, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र होकर काम कर सकेगा। क्योंकि आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष का नेता भी शामिल होगा, इसलिए चुनाव के बाद आयोग पर विश्वास बढ़ेगा। राजनीतिक दलों और नेताओं पर हो सकेगी सख्त कार्रवाई। अब तक चुनावों के दौरान नेताओं, उम्मीदवारों पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, मामले भी दर्ज होते हैं और चुनाव आयोग में शिकायतें भी होती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। अनुभवी और चुनाव कराने में एक्सपर्ट बन पाएंगे आयुक्त। अभी तक सत्ता में बैठी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त बनाती थी, क्योंकि अब इसका चयन पैनल के जरिए होगा। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ योग्यताएं भी परखी जाएंगी, इससे अनुभवी और चुनाव के एक्सपर्ट लोग इन पदों पर बैठ सकेंगे। क्या कोर्ट के इस फैसले को सरकार चुनौती दे सकती है? कोर्ट के किसी भी फैसले को चुनौती दी जा सकती है, हालांकि इस मामले में केस थोड़ा अलग है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एकमत होकर फैसला सुनाया है। ऐसे में इतिहास देखें तो जब भी एकमत होकर कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कोई फैसला दिया है, तो चुनौती के बाद भी वह कम ही बदला है, बल्कि न के बराबर बदलाव हुआ है। इस मामले में भी ऐसा ही है। सरकार चुनौती दे सकती है, लेकिन कोर्ट का ये फैसला बदलना मुश्किल है। हाँ, संसद अगर चाहे तो कोर्ट का ये फैसला बदल सकती है।